बिग बॉस का असर यही है, पूरी मीडिया इधर ही आ गई है। आपको क्या लगता है? जो भी बोल रहे हैं सामने देखा जा रहा है। पार्टी में क्या स्पेशल होने वाले हैं आज? अभिषेक और मनारा का गाना आने वाला है कुछ, अगर आप कहना चाहें। बस देखेंगे अभी क्या कैसे गाना है। अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग बस कुछ आने दीजिए दोस्तों, दोस्तों यार आ रहे आ रहे भाई यार, एक मिनट आप रास्ते में, एक सेकंड दोस्त, अरे अरे पूरा कैमरा, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, एक सेकंड एक सेकंड। लगन भाई यहाँ सेंटर में देखना, अभिषेक भाई यहाँ पे, अभिषेक भाई यहाँ पे, अभिषेक भाई सेंटर में, सेंटर यहाँ पे बर्थडे नहीं है, सक्सेस पार्टी रखी है, तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, बट थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए। हाँ मुझे बोला जाना था कि लड़की नहीं मिलेगी, वैसे तो अभी भी नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, अभी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तू काम पे ध्यान दे ले, और लड़की लड़की कर लिया तूने, थोड़ा करियर पे ध्यान दे। खानजादी और मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया, हमारी बात बात हो गई है जरूर, बट वो अभी मिल नहीं पाया हम, बट जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मैं दो दिन शूट पे चला गया था और वो भी अपना गाना रिलीज कर रही थी, तो बेइज्जती होती है। हाँ मैंने देखा, मेरी बात भी हुई, तो वो दोनों बहुत खुश हैं, और मैं भी जल्दी मिलने वाला हूँ, होपफुली जल्दी ही मिलूँ मैं, अब मैं भी अब मिलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सेटल सा हो गया, पहले मैं थोड़ा टायर्ड था, सेटल नहीं हो पा रहा था। इसलिए और रोमांटिक सॉन्ग है, तो जो सारे कपल्स हैं, जो लवर्स हैं, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा, और वैलेंटाइंस डे के आस पास रिलीज हो रहा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और अखिल सचदेवा जी ने गाया, जिन्होंने वो गाना गाया था सुन रे हम सफर, तो बहुत प्यारा ही गाना है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत सारा प्यार दिया। आपकी फेवरेट प्लेस पे ये शूट किया गया है, चंडीगढ़? मेरे उड़ारिया के सेट पे शूट किया गया है। क्या बात है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहाँ पे मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, और सरगुन मैम भी मिले, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा खेला, बड़ा अच्छा लगा। भाई आपके लेफ्ट, भाई सामने लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई आपके लेफ्ट, मुझे भी नहीं पता, मैंने आज इनविटेशंस भेजे जिनको नहीं, मतलब मैं तो पर्सनली भेजना चाह रहा था, बाकी मेरी टीम ने सारा काम कर दिया था। अभिषेक भाई सेंटर में जो लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो काफी सारे लोग आ गए, मैं नहीं मिल पाया हूँ, मैं खुद लेट हो गया, क्योंकि मैं लैंड चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ मैंने बात तो की है, वो किसी रिहर्सल्स में बिजी है, कुछ उसका भी आने वाला है, तो मैंने बोला है कि आ जाना यार 10 मिनट के लिए आना, तो आएगा वो, दोस्ती पक्की आएंगे, दोस्ती पक्की है, क्योंकि हमारी वीडियो कॉल पर इतनी बातें होती हैं, इतनी ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी बातें होंगी, बट अब बहुत बातें। अभिषेक मुनव्वर का अभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन का वीडियो आउट हुआ है, वो आपने देखा? नहीं मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास ही टाइम नहीं था, और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया,
प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था तो थोड़ा सा अभिषेक आपका मीटअप बहुत अच्छा रहा, आपके फैंस हमने देखे बहुत क्रेजी हो रहे थे, क्या कहना चाहूंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, क्योंकि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा हूँ, तो अच्छा लगा। बहनों से मिलकर आपका क्या? मेरे लिए बहुत ही अलग मूवमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था भाई सेंटर लुक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब लुक यहां पे देखिए, हां पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी कि मैं यहां तक पहुंचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। अभिषेक बहन लोग का क्या रिएक्शन था आपसे हग करके? बहुत इमोशनल हो रहे थे वो, क्या जी? वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरी उड़ारियां में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूं, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। वन मोर, एक बार भाई, एक बार और अभिषेक भाई। फोटो नहीं पहले भाई, अरे यार तुम लोग पहले फोन नहीं रख सकते थे, सोए पड़े थे क्या सब लोग? ये माइक गिरेगा। बॉलीवुड हेल्पलाइन थोड़ा सा नीचे करो तुम, ये हाँ चलेगा? देखो मुझे कोई दिख नहीं रहा है इतनी लाइट की वजह से, और मैंने चश्मा भी नहीं पहना, इसे आवाज आती है किधर जाएगी उधर देखो। ओके सर, इनको मैं फर्स्टली ये जानना चाहेंगे, अभिषेक की पार्टी है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट है, रीयूनियन हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ अभिषेक से मिलने के लिए, और कल बहुत रैंडमली मैंने उसे ऐसे ही मैसेज किया, तू आ गया वापस मुंबई की पंजाब में? उसने बोला नहीं नहीं आ गया हूँ, बस तुझे दसो मिल रहे हैं ऐसी कल पार्टी शार्टी है, तो ऐसे अच्छा ठीक है जनरल कुछ होगा, तो बोला इनवाइट आएगा ये वो, ऐसे अच्छा फिर आया, आना ऐसा ऑब्वियसली आऊँगी, तुझसे मिलने तो आऊँगी ना, चाहे तुझे मिल के चली जाऊँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, एंड ब्यूटी पाई लग रहा है एज यूजुअल। मैं कितना सेक्सी था यार, सुपर्ब था, बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई देखकर मुनव्वर का भी और अभिषेक का भी फैन मीट पूरा। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली बोलती आई कि आई यू नो टू बिगिन विथ आई जस्ट होप अभिषेक और मुनव्वर सलमान सर के आजू बाजू में खड़े रहे, एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा ऐसा था कि आई थिंक ये लोग ही रहेंगे, आई थिंक ये लोग ही रहेंगे, अच्छा टॉप थ्री, यू नो आई मीन, एंड सब ने सवाल किए थे टॉप थ्री टॉप फाइव वाला, मेरा हमेशा यही रहा था कि मुनव्वर और अभिषेक रहे, बाकी ऑफकोर्स जीतेगा कौन ये तो हम में से कोई नहीं जानता, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो एटलीस्ट मैंने दुआ की, जो मैंने चाहा अभिषेक और मुनव्वर के लिए वो हुआ, सो आई एम स्टैटिक अबाउट इट, ये तो होंगे ही होंगे, इनके साथ मैं भी हूँ। अरे बहुत एक्साइटमेंट है, लेट नाइट्स होती जा रही है, मोटे हो जाएंगे ऐसी खा पी के, इतना अच्छा खासा बिग बॉस ने हमें रिड्यूस करवाया है तो थोड़ा वो जरूर इफेक्ट करता है, तो कोशिश करते हैं कुछ खाए पिए नहीं ज्यादा, बट एक्साइटिंग है। सर अभी कुछ कॉल्स आई हैं, सम आई हैव लाइक सम आई हैव नॉट लाइक, बट जैसे कुछ होगा वी रेस्ट अश्योर्ड ये पूरी भीड़ आएगी कवर करने के लिए। हां हां कोई नहीं, बिग बॉस के स्टार्ट
100% नया क्या, बहुत धमाल करेंगे बट कुछ अच्छा डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करेंगे। हमें ये जानकारी कि अभिषेक और मनारा का नया गाना आ रहा है एंड मुनव्वर भी अपने नए गाने की तैयारी में लगा हुआ है ऑलरेडी, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। मतलब मेरा बड़ा मन करता है उनको बोलने के लिए यार, मुझे जैसे मुनव्वर मेरी कल बात हुई तो ऐसे वो जा रहा था अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने बोला यार मैं मन किया बोलने का कि मैं भी आऊँ, मैं पता चले वहाँ जाके मैं चीख चिल्ला पड़ूंगी ये ऐसे, फॉरगेट लेट हिम डू हिज वर्क क्रिएट हिज म्यूजिक एंड फिर हम सब सुनेंगे बढ़िया सा गाना। मैं मुनव्वर का फर्स्ट वीडियो आउट हुआ है कॉमेडी का, क्या कहना चाहूंगी, आपने देखा वो वीडियो? मैंने देखा और क्या बोले, ही इज अमेजिंग, ही इज फैबुलस एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया भाई, तो बोला अरे यार ये मुझे इम्प्रोम्प्टू आया था पर जब मेरा होगा फिर रेस्ट अश्योर्ड आप फर्स्ट रो में होगी, आई सेड और तू मेरी खिंचाई करेगा। वेल मैम लास्ट में जाते जाते जानना चाहेंगे, जब से मुनव्वर जीते हैं यू नो एल्विश और मुनव्वर की जो भी फैन फॉलोइंग है ट्रोलिंग चल रही है, बहुत नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर है, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? ऑल आई हैव टू से इज एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी फॉर बोथ, सो दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर एल्विश जी भी एंड फॉर मुनव्वर ऑल्सो, एज फार एज दिस पब्लिसिटी दैट्स व्हाट मैटर्स स्वीटहार्ट। सामने आयशा जी थोड़ा और आगे आइए ना, बस 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 आयशा जी उधर ही, आयशा जी और उधर जाइए और उधर, बस अब देखना यहाँ है, ए हाथ निकालो मत पीछे, ए शंकर पीछे, शंकर पीछे आना, चलो पीछे आयशा जी, राइट में देख रहे हो शंकर पीछे आना, इधर आइए ना आयशा जी, इधर आइए, कारपेट पे, कारपेट आयशा जी आइए, इधर ही आइए, बस 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 इधर ही, बस यहाँ पे सामने मुझे शर्म आ रही है, बाइक बाइक करते हैं मैम, आइए बाइक, चलो और थोड़ा राइट, आयशा जी यहाँ पे, यहाँ पे ओके बाइक करते हैं, आइए बाइक सर, बाइक बाइक बाइक, क्या चाहिए आपको बाइक में? ये चाहिए कि यहाँ पे आए हो अभिषेक के साथ पार्टी में आए हो, क्या करने वाले हो अंदर? मैं जस्ट अभिषेक की ग्रोथ से बहुत खुश हूँ और मैं उसको सिर्फ कंग्रेचुलेट करने आई हूँ एंड मैं शूट पे थी बट मैं कल ही वापस आई एंड बिकॉज इट वॉज अभिषेक इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, वरना मैं बहुत थकी हुई थी ना आ पाती, बट अभिषेक के लिए आ गई। सरप्राइज है बट आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग इन अ फिल्म इन द साउथ, सो साउथ में तो मैं पहले से फिल्म करी थी, हाँ कुछ एक सॉन्ग कर रही हूँ, एक स्पेशल सॉन्ग एंड इट्स इन द फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी, सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग, जस्ट होप जब रिलीज हो तो आप सभी को बहुत पसंद आए, बहुत मेहनत की मैंने, आई स्वेयर कमर टूट गई मेरी करते करते डांस। आपने पोस्ट किया था मुनव्वर के फैंस लगाकर आपको गलत तरीके से बोल रहे हैं? नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, के फैंस ने कुछ गलत बोला है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके आप? नो क्वेश्चंस, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, आई एम सॉरी, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। अच्छा ये जानना चाहेंगे बिग बॉस के बाहर आने के बाद लाइफ कितनी चेंज हुई है और कितना कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कितना सक्सेस मिल रहा है? काम वाइज तो जो पहले काम छोड़ कर गई थी, जो थोड़े अधूरे कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर रही हूँ फिलहाल, नए काम आ रहे हैं बट
मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ चीज़ों को लेके, तो बस अच्छे और बड़ी चीज़ का वेट करूँ। सुनने में आ रहा है कि आप बहुत सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको, ये बताओ पहले मुझे। ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो, बहुत अच्छे से याद हो, कहाँ से सुन रहे हो ये सब? बहुत सारी खबरें आ रही है कि प्रोजेक्ट मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए। और एक फोटो भी वायरल हुआ था, पार्टी हुई थी, पार्टी हुई थी यार, गेट टुगेदर था यार, छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज। नहीं लेकिन पार्टी में क्या हुआ था, कुछ अगर कुछ नहीं, हम सब विकी भैया जस्ट एविक्ट हुए थे, तो शो से रिलेटेड, एविक्शन से रिलेटेड, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ वाले। तो विकी भैया आ रहे हैं, विकी भैया बात हुआ क्या, जाने वाले हैं? नहीं एक्चुअली मेरी बात ही हुई, बट जहाँ तक मैं जानती वो बिलासपुर में है। अच्छा पहले नहीं थी? अभिषेक के भी एल्बम आ रहा है, आपका भी एल्बम आ रहा है, साथ में एल्बम करने वाले अभिषेक? अभिषेक का एल्बम आ रहा है हाँ, और आज ही मैंने पोस्टर देखा अभिषेक और मनारा दोनों का, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। कंपटीशन तो नहीं है सॉन्ग के लिए? कौन सा कॉम्पिटिशन, ये दोस्तों से कॉम्पिटिशन थोड़ा ना होता है यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा आयशा, अगर आपको यू नो अपॉर्चुनिटी मिले दो लोगों में से किसी एक को चूज करने का फॉर म्यूजिक वीडियो एज एन अभिषेक एंड मुनव्वर, आप किसे चूज करोगे? आई वोंट लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, एज एन आर्टिस्ट आई कैन वर्क विद एनीबॉडी, आई डोंट माइंड। मैं एक्चुअली शूट पे थी शो के बाद, मैं हैदराबाद में थी, आई एम सो सॉरी, मैं हैदराबाद में थी, तो आई थिंक सबसे ज्यादा मैं आप ही लोगों से मिली हूँ, सबसे ज्यादा मुलाकात मेरी आप लोगों से हुई है, और बाकी अभी अभिषेक से मिली हूँ, ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाई, बट आई एम होपिंग टू सी एवरीबॉडी हियर। मनारा से वो तनाव खत्म हो गया? इट्स ऑल चिल, इट्स ऑल कूल, शी इज रियली अ नाइस गर्ल, शो में थोड़े यू नो वैसे सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस होते हैं, बट शी इज अ नाइस गर्ल, आई एम होपिंग टू सी हर टुडे। आखिरी में बताएं फेवरेट कौन सा सॉन्ग को डांस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप? आप बताइए किस गाने पे डांस करना है, मैं कर लूँ। जिस तरह की आप लोग ट्रेनिंग बैठी है, बॉन्डिंग बैठी है दोनों के, चुनरी चुनरी ठीक है, जिस गाने पे बोलेंगे आप मैं डांस करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू। आवाज है क्या मतलब, आज अभिषेक भाई की पार्टी है, इस पार्टी नो हिंदी सॉरी, चलो चलो स्टार्ट, थैंक यू। सो हाय नवेश, हाय, वी वुड लाइक टू नो रियूनियन हो रहा है बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट्स के साथ, व्हाट डू हैव टू से टू द बिग बॉस कंटेस्टेंट्स? The reunion is bahut acha. I'm very happy to see everybody, especially Abhishek, as you know. Yeah. And it's very nice to see everybody. It's like a family. So I'm very happy to see everybody. Very good. Okay. So did you had a word with Abhishek regarding whatever? I know. I need to go and do it now. I just arrived like 10 minutes ago. I'm just settling in, but I was very happy to see him. He was very happy to see me. So. Let's see what happens. Munawar Farooqi ka new song is coming. Of Munawar is coming. Yes. Of course, Munawar, he's very good. He played the game very well in Big Boss, and I'm very happy to see him again. And I'll see him again in the next day or so for the Big Boss finale party. Also, on the you line. Are exploring Mumbai. We would like yes. To I know. I'm going around Mumbai, learning more about the culture. Hopefully, trying to improve my Hindi. But I think a lot of my followers and audience, they like it. You know, I'm like the Big Boss international contestant exploring Mumbai, and I really enjoy it. It's very good. Bahut acha. The next party is on 9th of February. Yes, February, yeah. What do you have to say? Are you excited for that? Yes, I think 9th of February is going to be very good. I think everybody's going to come together. It's going to be one party, and you know, like Manara says, party vibe. Yes. Finally, you are meeting everyone today. So we would like to know with whom you have, you know, friendship zone or enemy. No, but to be honest with you, I've become good friends with everybody, like Neil, Rinku, Aisha. Even though I haven't been with Aisha in the house, she's still a very good friend of mine. So I'm happy to see everybody. I have no problem. Everybody's very good. We're like family. Thank you, sir.
Yes, I know. I'm very excited to see the video with Abhishek and Manara. I think they're beautiful together, and I just hope Manara doesn't take him away from, you know, from me, you know, with Abhishek. And I'm very proud of them. They're very deserving, and I wish them the best. Thank you so much, you guys. See you guys. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. पार्टी तो धमाल करने के लिए होती है. एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक हियर. इट्स बीन अ व्हाइल. फिनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था. एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ प्रॉपरली. अभी मिला उसे एंड या आई मीन वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. घर में तो काफ़ी फाइट हो गया, बाहर भी कुछ ऐसा होने वाला है या क्या पार्टी होने वाला, क्या होने वाला? इधर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं ना, इधर कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या कुछ आप डांस वूस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस भूल के नया जर्नी में स्टार्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मतलब म्यूजिक बजेगा, डांस करेंगे यार, सब डांस करेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर, अभी आए हैं, सब मिले हैं. उन्हीं से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया तो मैं आ गया बाहर. आपके साथ कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? आई होप जल्दी ऐसा कुछ हो जाए. आपके मुंह में घी शक्कर यार. जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. सीरियसली, ऑल द बेस्ट. Okay. I have not seen it. I have not seen it yet. Okay. But I'm sure he's great यार. मैंने उसको अंदर बोला था, मैं तेरी कॉमेडी का परपेचुअल फैन हूँ. मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था. वो जो एटलीस्ट शो में जो करता था, इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था, पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो वो जोक्स मारता था वो कमाल के थे यार. इमेंस फैन फॉलोइंग दे हैव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. सीरियसली, बहुत आई थिंक इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट जब इतने लोग आपके फैंस होते हैं. सर एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब निकले आप तो अंकिता के साथ मुलाकात हुआ, किस तरह के बोलने का कि आप लोग काफ़ी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या किस तरह? अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है. अभी तक मतलब कुछ देखे मिलने के मतलब प्लान उन्होंने बना कि भाई मिलने? अभी तक बना ही नहीं है. आई थिंक घर से निकलने के बाद सब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते. तो आई थिंक कोई अभी तक ऐसे प्लान बना नहीं है. अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी, कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही है कि अभिषेक और मनारा खतरों के खिलाड़ी, यू नो, शो एक्सेप्ट किया है. अच्छा. उनका जो प्रपोजल था, तो क्या इस बार मेल दिख सकते हैं? लास्ट सीजन में ऐश्वर्या थी तो आई डोंट नो यार, नॉट येट डिसाइडेड. एंड अभी तक मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो. एक बात फाइनली, आप लोगों को लग रहा है कि अच्छे जोड़ी खेले थे आप ऐश्वर्या खेले थे, आपको काफ़ी जल्दी निकाल दिया, मतलब इस तरह कुछ लग रहा है आपको? आई थिंक 11 हफ्ते गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन से. सो वी आर हैप्पी विद आवर जर्नी. कुछ लोग बोलते सेटिंग था बिग बॉस का, सही ना सेटिंग था बिग बॉस? किसके साथ आपको कॉल आया था? आपने सेटिंग किया था बिग बॉस के साथ? आप भी जीत सकते थे क्या? मतलब खाली कंट्रोवर्सी के लिए आपको सवाल पूछने? बस पूछने बात सही है अंदर आपके? आप उसको पूछिए जिसको लगता है जिसकी सेटिंग हुई है, आप मुझे मत पूछिए. जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे ही कुछ साइन करूंगा आपको पता चल जाएगा. आप कब गाना गाओगे? आपके गाने के ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ. थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू.
Yeah.